good morning children yesterday i have sent a video to you uh, of on your poem chapter number 2 poem jyoti i hope you all enjoyed this poem uh, today in this class we just were going to discuss the exercise of this poem okay open your textbooks एटेंसन निजर आ, निजर कथा कहो देखो यहाँ निजर कथा कहो पेज नंबर सिक्सटीन लोकेट योर टेक्स्ट बुक्स मोर नाम आ, निजर कथा कहो मीन्स टेल योर शेल्फ है ना से योर सेल्फ अपने बारे में बोलना है जिससे मोर नाम मोर नाम अपने जो ब्लैंक है उसमें अपना नाम लिखना है मोर नाम जो भी होंगे आपका नाम वहाँ लिखना है राइट नेक्स्ट देश मोर आय ये जो पॉयम था पॉइंट में क्या था एव मोर आय था ना जो पॉइंट में था एव मोर आय अब इस ब्लैंक में एवं लिखोगे एवं मोर आय पॉइंट से देखकर लिखोगे मतलब वो मेरा माँ है ते मोर देवता उस कविता में था ना देश में लग के ते मोर देवता मतलब ही इज माई फादर एंड सी इज़ माई मदर है ना यहाँ होगा ऊपर वाला में ए होंगे और नीचे वाले में क्या होगा तेव होंगे राइट right? इसमें एवं लिखेंगे क्या लिखेंगे ऊपर वाले में इसमें लिखेंगे एवं मोर जो कविता में है ना उसमें एवं और नीचे वाला में टे ते मतलब ही और एं मतलब एवं मीन्स ही बट आई मीन्स ए लेडीज सो इट शुड बी सी सी इज माई मदर ही इज़ माई फादर तो इन इन द फर्स्ट पोजिशन एव एंड एंड नेक्स्ट वन इज़ टे ओके क्लियर देन ओके सेकेंड देखो आपकी कविता में ही उसी में दिया हुआ उसी पेज सिक्सटीन में एग्जाम्पल दिया हुआ है खुराय मुख ये लिखो इलान देखो खुराय मुख मरम करे मीन्स अंकल माय अंकल लव्स मी लाइक मी है ना खुराय मुख मरम करे खुरा खुरा अंकल ने मुझे प्यार करते हैं है ना ये सब कुछ जेन्यून है खुराए मुख मरम करे जो ब्लैंक जगह में क्या एक जगह खुरा है और एक जगह मरम करे खुरा मतलब अंकल ने मुझे मरम करता है अब आपको लिखना है ये फील इंडा ब्लैंक्स जो दिया नेक्स्ट लाइन में ये देवताए मुख मरम करे इसमें जगह में क्या लिखे हो गए ये कुछ बच्चे ने लिखा होगा ये वर्ड आप अपने किताब से सही से लिखना देवताए मुख मरम करे इसी तरफ नेक्स्ट लाइन आय मुख मरम करे हो जाएगा तो इसी फिल इन द ब्लैंक्स को कर लेना ठीक है ना खुराए मुख मरम करे मीन्स ने मुझे प्यार करते हैं देवताए मुख मरम करे, मुण करे फादर लव्स मी फादर लाइक्स मी लाइक्समी आय मुख मरम करे मीन्स मदर लव्स मी माए मुख मोर प्यार करते हैं तो यही तीन सेंटेंस ये हो गया हो गया अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको आप लोग लिख लीजिएगा हाँ ये क्या है दौलत ये लिखना है ना দলত ছবি চাই বোলো ৰ' দলত ছবি চাই নাম কওঁ অহা শব্দবোৰত থকা ডাঙৰ আখৰবোৰ পঢ়া আৰু লিখা নিচে কোচ পিকচাৰ দিয়া হয় হেনা ইউ ইউ কেন ৰিকগনাইজড অল দিজ পিকচাৰছ ইটা উট এৰাপাট হৰিণ নখ ইকৰা তৰা মিন ষ্টাৰ মকৰা জলকীয়া এক এক মানে ওৱানৰ উদৰ দিয়া হয় উৰহি और पान ये एक उमल एक वन काइंड ऑफ बीन और पान बेटल बेटल लिफ बेटल लिफ जो तामुल पान पान होता ही है। ये है ना आप ये फ़ोटो देखकर वर्ड को आपको पढ़ना है इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा राइट सपोज ये ईटा और ये क्या है ऊट कैमल एरापत एक पत्ता है जो हमारे जो रेशम कीट को खिलाते हैं खिला के बड़ा करते जो रेशम कीट को एरापाट इन पत्ता का नाम जो लीफ का नाम है एरापाट और ये हरिन जानी रहे दिए नख जानी रहे इसको जो नील नील यही है ना और इकोरा एक घास है एक प्रकार घास है पुराने ज़माने में गांव के लोगों ने क्या करते थे जो ये सीमेंट के दीवार ये सब नहीं बनता था तो ये इकोरा एक घास लंबा लंबा घास उसको काट के अपने घर पे लगाया करते थे तरा तरास इस्टार मकोड़ा इस्पाइडर जोलकिया चिल्ली जानी रहे हैं? एक मतलब वन जो एक ये आसामीस मैं आपको नंबर सिखाऊंगा एक कैसे लिखा है तो उसमें ये एक ऐसे सिखाएंगे ये हो गए एक और ये नेक्स्ट वाला देखो अड़ोही उड़ोही मीन्स एक वन काइंड ऑफ बीन्स बीन्स जो खाने वाला सब्जी है और पान बेटल लीफ तो स्टूडेंट यू शुड प्रैक्टिस दिस वर्ड्स हाउ टू प्रोनाउंस राइट आफ्टर लिसनिंग माय वीडियो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस वर्ड ओके नेक्स्ट वन इज़ दे एलॉंग उथ द पिक्चर यू यू शुड रिकोगनाइज द पिक्चर एंड ट्राई टू प्रनाउंस दिस वर्ड्स सपोज दिस वर्ड इज उघा उघा जबा वन काइंड ऑफ फ्लावर जापी सभी लोग जानते हैं उनको जापी है ना जापी कान कान मतलब इयर 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 ये कान मतलब इयर तला तला जानी रहे लक मह मस्किटो राइट ये वर्ड को पढ़ना है उफोर फॉर उघा उ फोर उघा घा उघा ये एक प्रकार के जो हमारे हैंडलूम जो कपड़ा बनाते हैं महिलाएं तो थ्रेड को थ्रेड को मतलब उसको रख थ्रेड को बढ़िया से रखने के लिए उघा यूज़ करते हैं कर इसका नाम क्या है उघा ये समझ ली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ हैंडलूम इंस्ट्रूमेंट ऑफ हैंडलूम और जवा एक फ्लावर का नाम है जापी जानते हैं जबकि आप लोग देखे होंगे जो बारिश रेन के समय लोग भीगने से खेती करते समय इसको यूज़ करते हैं कान मतलब ईयर हमारा जो कान होता है टोला समझ गया मोह तो आप इस वर्ड को पढ़िए है ना यू शुड रीड आउट ऑल दिस वर्ड राइट हाँ नेक्स्ट आपको दिया है गाँव वहाँ गाना है गाना है मतलब आप कविता के रूप से दिया है उसको गाना है मैं एक बार सुना सुना दे रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा पहला लाइन অকণমানি ইনামণি অকণমানি মন আইতাৰ চকুৰ মণি আচলৰ ধন মোৰ নাম আইমণি ভাই মোৰ লন খেলা ধূলা কৰি আমি পঢ়াত দিওঁ মন ত' দিয়ে ষ্টুডেণ্টছ অকণমানি ইনামণি এই অলৰেডি बोल रहे हैं ओकन मणि अकोन मणि छोटी सी इनामणि बच्चे का नाम क्या है बच्चे का नाम है इनामणि कह रहे अकन मनी छोटी सी लड़की है नाम इनामणि ओकन मणि मन उनका मन कैसा है उनका माइंड कैसा छोटा है अकन मणि मतलब एकदम छोटा स्मॉल आयतार मणि आयता मतलब ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर का आंखों की तारा है मतलब शकुरमणि मीन्स आँखों की तारा मतलब उनको खूब लाइक करते हैं असल और धन असल और धन मतलब उनका उसको खोना नहीं चाहते हैं जो असल और धन धन मतलब मानिए जैसे अपना पैसा हम खोना नहीं चाहते इस तरह अपने ग्रैंड मदर अपने नाती को अपने ग्रैंड चाइल्ड को खोना नहीं चाहेंगे उनका नष्ट नुकसान होना नहीं चाहेंगे इसका मतलब मोर नाम आई मनी मेरा नाम आई मनी ये लड़की बोल रहे हैं मेरा नाम क्या है आई मनी मेरा नाम क्या है आई मनी भाई मोर लॉन ये भाई का नाम क्या है খেলা ধূলা কৰি আমি পঢ়াত দিয় মন খেল ধূলক মেলা ধূলা মেল কুদকে আমি পঢ়াত দিয় মন আপোনাৰ পঢ়াই মন লাগা হ'ৰা ৰাইট ই ছটি চি পই আপল পঢ়িগা প্ৰনাওঁছ কৰিব পঢ়িগা হ'ব তগে দেখেগে এইম হে ডাঙৰ কৈ লিখা আৰু লিখা আখৰবোৰ পঢ়া য' ই লিখনা কিয়া কৰনা লিখনা আপকো এই ৱৰ্ড সব লিখনা ডাঙৰ কৈ লিখা লিখা আখৰবোৰ পঢ়া এইটো বৰ আখৰ লিখা লিখো আৰু পঢ়ো লিখা হেৰ পঢ়া হে লা আখৰবোৰ পঢ়া আপক পঢ়না ইনা এজন কণ উম বিমল জবা মণি তৰালী জেৰিনা নমিটা ৰাইট এই ৱৰ্ড আপক পঢ়া হেম জে পঢ়া হ'ব ইনা এজন কন উমা বিমল জবা মনি মৰালী জেৰিনা নমিটা ৰাইট আৰু নিচে দিয়া এই দেখো ইনা নামটোৰ প্ৰথম আখৰ কিনা যোন নাম হে যো ইনা নাম হেকা পহলা এল্ফাবেেট কিয় इसका पहला अल्फाबेट क्या है ई है हर्ष ई इना नाम तो प्रथम आखर ई इसी तरफ कौन नाम तो ये लाइन देखो कौन नाम तुर शेखर आखर की कौन नाम का लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है लास्ट वाला तो अल्फ़ाबेट क्या है नौ है मधुन्य नौ यहाँ लिखोगे मधुन्य नौ इस जगह पे लिखोगे मधुन्य नौ राइट तो यही है इसको आप ये वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करो पढ़ो और लिखो नेक्स्ट देखो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है कुछ ये एक्सरसाइज दिया है इसको देखो है ना जैसे तलर दिया आखर गठन हुआ शब्द कौ ये कुछ अल्फ़ाबेट आपको दिया हुआ है जैसे ई हर्ष ए वर्गज न दंत्य ट दंत्य न ये कुछ अल्फ़ाबेट आपको दिया हुआ है और देखो साइड में सब कुछ पिक्चर दिया हुआ है है ना और आपको करना क्या है जैसे सपोज ई से ई से यहाँ कोई चीज़ है जो पिक्चर है उसमें से उनका नाम मैच होगा जैसे ई से क्या होगा ईटा होगा क्या होगा ई से ईटा ऊ से क्या होगा ऊट ए से एरापाट जो से जलोकिया नौ से कान तौ तो से टला नौ से नाक मौ से मम राइट अब इसी तो वो वर्ड को लिख लेना ठीक है ना ये जो अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट से जो पिक्चर दिया उससे आपको वर्ड लिख लीजिएगा हो जाएगा ठीक है थैंक यू तो आज इतना ही है कल हम लोग और इसके आगे पढ़ेंगे धन्यवाद